जय मसीह की प्रियो, गुड मॉर्निंग। एक और नए वीडियो में आप सबका मैं बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आज के एक नए दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुबह के समय में उसके वचनों को सुन के प्रार्थना के साथ वचनों के साथ आज का दिन हम शुरुआत करेंगे। सच में प्रभु कोई ना कोई आशीष और आशीर्वाद हमारे लिए आज के दिन के लिए रखा है। आमेन। और आप एक इंटरेस्ट के साथ आए हैं, प्रभु सच में आपके इस इंटरेस्ट के लिए प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। प्रार्थना के साथ जब हम दिन का शुरुआत कर रहे तो प्रभु खुश होगा। मरियम जब प्रभु की उपस्थिति को चुना तो प्रभु ने कहा यह उत्तम भाग को चुना है, कोई इससे इस भाग को कोई इससे छीन नहीं सकता। तो आज हम इस उत्तम भाग को चुने हैं, परमेश्वर उस भाग को आशीष करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे आज। आज का वचन है जो ध्यान का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन, रोमन चैप्टर 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को? आमीन कहें। यानी सब बातें मिलकर जो प्रभु के यीशु प्रभु में जो चुने गए हैं, प्रभु में जो बुलाए गए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रिय, कई बार हमारे जीवन में कुछ सवाल होते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्यों ऐसा, क्यों ये मेरे लिए क्यों हुआ, मेरे जीवन में मेरे परिवार के लिए क्यों हुआ। कई सारे प्रश्न हमारे जीवन में उत्पन्न होकर वो हमें हमारे लिए हमें उलझन में डालता है। हम उलझन में हो जाते हैं, हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या करें। मेरे प्रियो, लेकिन एकमात्र सत्य है वो ये है, जो परमेश्वर ने उसके मर्जी के अनुसार बुलाए गए और जो उससे प्रेम कर रहे हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ना हम बाइबल में कई कई जगह में हम देखते हैं। मैं एक उदाहरण आपके लिए बताना चाहता हूँ। श्रीलंका का एक देश, वहां पर एक समुद्र के तीर पर एक गाँव बसा हुआ था। उस गाँव में एक ही परिवार जो मसीह को मानते थे और वो उस गांव में वो घर में प्रार्थना किया जाते थे। वहां पर एक पादरी आके उन वहां उस गांव के कुछ विश्वासी मिलकर, मतलब उस गांव का विश्वास, वो घर का विश्वासी और पास्टर जी मिलकर वहां पर रोज या हर हफ्ता और रोज भी कुछ समय हम वो लोग प्रार्थना में बिताते थे, प्रभु की आराधना उसकी स्तुति करते थे। लेकिन एक काम उस गांव के सरपंच जो उस गांव का अध्यक्ष होता है ना, उस अध्यक्ष को ये काम पसंद नहीं आया। ये प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की गीतों को गाते, ये काम उनको पसंद नहीं आया, इसलिए वो वहाँ पर उनके साथ झगड़ा करके उस गांव से उस परिवार को और पास्टर को वहाँ से भगा दिया। तो वो लोग उस गांव को छोड़कर आना पड़ा और वो लोग बहुत दुखित हुए और प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? हम आपकी आराधना करते थे, आपकी महिमा करते थे, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, हम आप ही की आराधना करते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप सर्वशक्तिमान है, आप न्यायाधिपति है, आप न्याय करने वाला परमेश्वर है, आप हमारा न्याय चुकाइए। वो लोग प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, आगे देखिए हुआ क्या। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आया, एक बहुत बड़ा सुनामी। वो समुद्र के लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उस गांव को और उस गांव के जो अधिकारी का जो विरोध किया था उन सब को लेकर वहाँ से उन सब को वो जो लहरें आई ना, वो सब को समेट के लेके चली गई। वो सारा गांव मिट गया। उस समय उस परिवार जो वहाँ से निकल के आए थे, उस परिवार को पता चला कि प्रभु हमें क्यों उस गांव से बाहर निकाला। और वो जब से जो रहस्य जो वो कारण को जान लिया तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि परमेश्वर उनकी जान को बचाने के लिए उस गांव से उनको बाहर निकाला। एक और हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसी से हमको पता चलता है जो भी हमारे साथ होता है अंत में वो हमारे भलाई ही को उत्पन्न करता है, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है।
शुरुआत में तो इनको लग रहा था कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आगे चल के उन्हीं की भलाई के लिए हुआ, जो वहां से गांव से बाहर निकाला गया उन्हीं के भलाई के लिए, नहीं तो उनकी जान भी चली जाती उस सुनामी में। एक और घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बाइबल में हम देखते हैं। यूसुफ नाम का प्रभु का एक दास, वो प्रभु का भय मानता था। उसके भाई लोग उसके ऊपर जलन करके उसको उस कुआं में, खाली कुआं में डाल देते हैं। उसके बाद वहां से निकाल कर फिर मिस्र देश के लोगों को बेच देते हैं। और ये सब कुछ देखकर ये सब कुछ यूसुफ को समझ में नहीं आ रहा था। पोतीपर के घर में उसके पत्नी उसको झूठा इल्जाम लगाकर, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बंदीगर में डलवाया और बंदीगर में वो बहुत दुख उठाया। लेकिन जानते लेकिन एक दिन परमेश्वर उसी मिस्र देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया, एक बहुत ऊंचा पद में उठा दिया। मेरे प्रियो, तब यूसुफ को समझ में आया वो जो भी कष्ट, जो भी मुश्किलें उन्होंने झेला, जो भी कष्ट उन्होंने उठाया झेला था, वो उन्हीं की भलाई के लिए था। उन्हीं को उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न किया। और वो जब ये समझ गया तो प्रभु का धन्यवाद दिया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करते हैं हमारे अच्छा के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है तो हम सवाल के ऊपर सवाल करने लगते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, ऐसे परिस्थिति आते समय यूसुफ की कहानी, अभी जो मैंने कहा कि श्रीलंका के उस समुद्र के तीर पर जो एक परिवार था उनको वहां से निकल, ये सारी घटनाओं को आप याद कर लीजिए, आपको हिम्मत आएगा। इसलिए कहते हैं प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का वचन सुनना है तो हिम्मत आता है। प्रभु का वचन जीवित है और वो हमारे सोच विचार को भी जानता है, हमसे बात करता है। हम जब उदास थे हमको चैन देता है प्रभु का वचन, इसलिए हमें सुनना है। और आखिर में हमारे भलाई को उत्पन्न करता है। यानी ये जो भी हमारे जीवन में जो भी संभवता जो भी कष्ट, जो भी दुख आता है, वो अंत में हमारे ही भलाई को, हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमारे अच्छा के लिए प्रभु हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं, क्योंकि अंत में वो हमारे ही अच्छा के लिए होता है, हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। जैसे अभी एक दो कहानी हम लोग सुना, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दे। कोई सवाल न करे, क्योंकि अंत में वो आपके भलाई के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी ब्लेस करना आज का दिन, जो मेरे भाई बहन प्रभु जी आपका वचन सुने, आपके उनके जीवन, आप उनके जीवन में काम करना उनके भलाई के लिए। प्रभु जी आप उनके जीवन में, जो भी उनके जीवन में आ रहा है उनके भलाई को, वो आप उनके उनके भलाई के लिए ला रहे प्रभु जी, वो सारी चीज़ें उनके भलाई को उत्पन्न करते, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु जी धन्यवाद। और परमेश्वर अंत में इनके लिए एक बड़ा सा अद्भुत काम करना परमेश्वर, ताकि यूसुफ के जैसे वो आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा पिता आपको देते आज का सारे काम को, आशीष करना जो जहां भी जाते, जो भी काम करते उनके साथ रहने को अगुवाई करना। प्रभु जी सारे आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। जो बर्थडे सेलिब्रेट करें, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आज के दिन हम ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं उनके काम काज को, ब्लेस करते हैं उनके जॉब पढ़ाई को, सबको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। नया साल उनको दे रहे, ब्लेस करना प्रभु जी, नया साल में नई नई आशीषें पाए प्रभु। सारी महिमा पिता आपको देते, सारा दिन आपके हाथ में सौंप कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा ब्लेस करें। एक और नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। अगर कोई नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, आमीन।